वेलकम स्टूडेंट्स। तो आज का हमारा टॉपिक है लेक्चर मेथड। तो सबसे पहले हम लोग ये जानेंगे कि लेक्चर मेथड होता क्या है, और एज अ टीचर या फिर टीचर ट्रेनी आप कैसे लेक्चर मेथड का यूज़ जो है अपने क्लासरूम में कर सकते हैं, और कब लेक्चर मेथड को यूज़ करना चाहिए हमें अपनी टीचिंग को इफ़ेक्टिव बनाने के लिए। सबसे पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि ये जो लेक्चर मेथड है ये एक बहुत ही ट्रेडिशनल मेथड है, और इसका जो यूज़ है ये बहुत पहले से ही होता हुआ आ रहा है। जैसे कि हमारा जो पुराना एजुकेशन सिस्टम था गुरुकुल का, तो गुरुकुल में भी जो गुरु होते थे वो अपने बच्चों को, अपने शिष्यों को इसी मेथड के थ्रू पढ़ाते थे। वो बच्चों को किसी एक विषय में, किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे कह सकते हैं कि ज्ञान देते थे, और बच्चे उसको सुनते थे। इस मेथड में क्या होता है, जो टीचर होता है वो किसी भी पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में लेक्चर देते हैं और बच्चे उनको सुनते हैं। तो टीचर कोई भी टॉपिक जो उनको पढ़ाना होता है, जो भी उनके सब्जेक्ट से रिलेटेड होता है, वो टॉपिक चूज़ करते हैं, उस पर उसके बारे में बच्चों को सिंपली बताना शुरू करते हैं और बच्चे उनको सुनते हैं। तो जो इम्पार्टिंग ऑफ इन्फॉर्मेशन होता है, यानी जो इन्फॉर्मेशन जो दिया जाता है बच्चों को, वो स्पीच के थ्रू दिया जाता है, यानी कि टीचर बोलता है और बच्चे सुनते हैं। ये एक टीचर सेंटर्ड मेथड है। जैसे कि हम लोग को समझ में ही आ रहा है कि इसमें ज़्यादातर जो काम होता है वो टीचर करता है। टीचर अपना प्लानिंग करता है कि उसे क्या टॉपिक पढ़ाना है, और वो आके क्लासरूम में उस चीज़ को सिंपली बोल के पढ़ाता है। तो टीचर यहाँ पे एक्टिव पार्टिसिपेंट होता है, जबकि स्टूडेंट जो होते हैं पैसिव लर्नर होते हैं। स्टूडेंट का काम क्या होता है, बैठ के सुनना जो भी टीचर पढ़ा रहा है। थर्ड लेक्चर मेथड के बारे में कहा जाता है कि ये साइकोलॉजिकल मेथड नहीं है, क्योंकि बच्चे एक्टिव नहीं होते, तो एक तरह से बच्चे अपने से नहीं सीखते हैं। टीचर जो होता है वो जो पहले से ज्ञान है, एक तरह से कह सकते हैं, उसको सिर्फ बच्चों को देता है। ठीक है, बच्चों को सोचने का, अपने से समझने का उतना मौका नहीं मिलता है। बच्चों का काम सिर्फ उसको सुनना और याद करना ही रह जाता है। तो ये साइकोलॉजिकल मेथड नहीं है। लेक्चर मेथड जो है ये ज़्यादा यूज़फुल है हायर क्लासेस पे। जब आप बड़े क्लासेस को पढ़ाते हैं उसमें ये तब ज़्यादा यूज़फुल है, क्योंकि जो बच्चे होते हैं उस टाइम के, वो इतने इंटेलिजेंट और इतने, एक तरह से कह सकते हैं, कितने कैपेबल हो जाते हैं कि जो टीचर बोल रहा है उसको अच्छे से समझ सकें। जबकि छोटे बच्चे ऐसे नहीं होते हैं। छोटे बच्चे क्या होते हैं, वो अब्स्ट्रैक्ट आइडियाज़ को नहीं समझ पाते हैं, तो उनके लिए ये लेक्चर मेथड सही नहीं है। उसके बाद आते हैं कि ये जो मेथड है, ठीक है, इसमें क्या होता है कि ये चीज़ पता लगाना बहुत ही डिफ़िकल्ट हो जाता है कि बच्चों में जो लर्निंग हुई है वो किस एक्सटेंट तक हुई है। ठीक है, जैसे कि आप ये वाला इमेज देख रहे होंगे, इसमें ये जो टीचर हैं वो पढ़ा रही हैं बुक लेके, ठीक है, बच्चे यहाँ पे सुन रहे हैं, लेकिन जो ये लास्ट वाला बच्चा है ये शायद अपने में ही बिजी है। तो आप ये इस लेक्चर मेथड में यही होता है कि आप पता नहीं लगा सकते ना कि आप कौन से बच्चे को कितना समझ में आ रहा है। फिर हम लोग आ जाते हैं व्हेन टू यूज़ लेक्चर मेथड, लेक्चर मेथड का यूज़ करना कब चाहिए। ठीक है, तो लेक्चर मेथड का हमें यूज़ तब करना चाहिए जब बहुत सारे बच्चों को एक ही टाइम पे पढ़ाना हो। ठीक है, तो जैसे कि सिंपली क्या होता है कि हम लोग इंडियन एजुकेशन सिस्टम में देखे हैं कि किसी भी क्लासरूम में बच्चे बहुत ज़्यादा होते हैं, तो टीचर के लिए ये ज़्यादा इजी हो जाता है कि वो कोई भी टॉपिक प्रिपेयर करके आए और फिर वो बच्चों को समझा दे। उसके बाद और कब हम लोग लेक्चर मेथड का यूज़ कर सकते हैं, जब हमें कोई भी नया लेसन इंट्रोड्यूस कराना हो या नया टॉपिक इंट्रोड्यूस कराना हो, तब हम लेक्चर मेथड का यूज़ करते हैं। ठीक है, उसके बाद जब बच्चों में इंटरेस्ट डेवलप करना हो या उनको मोटिवेट करना हो, तब हम लेक्चर मेथड का यूज़ कर सकते हैं। या फिर जब हमें किसी भी नए नॉलेज के लिए उनको बहुत, एक तरह से ज़रूरी इंस्ट्रक्शंस देना हो, तब लेक्चर मेथड का यूज़ टीचर करते हैं। तो इंफॉर्मेशन देने के लिए यूज़ किया जाता है, और लेक्चर मेथड का यूज़ हम तब करते हैं जब हमें कोई भी प्रीवियस नॉलेज को न्यू नॉलेज से कोरिलेट करना पड़ता है। ठीक है, तो प्रीवियस नॉलेज को न्यू नॉलेज से कोरिलेट करने का मतलब, जैसे कि जो बच्चा पहले से जानता है और जो एक इंफॉर्मेशन हम बच्चों को देना चाहते हैं, जो चीज़ हम बच्चों को सिखाना चाहते हैं, उसको मिलाना। जैसे कि एग्जांपल ले लीजिए कि जिस बच्चा जो है वो सन के बारे में जानता है, वो अर्थ के बारे में जानता है, वो मून के बारे में जानता है, और अगर हमें सोलर सिस्टम बच्चों को पढ़ाना है, तो हम उस प्रीवियस नॉलेज, जैसे जो वो जानता है, उसका यूज़ करके हम उसे
सोलर सिस्टम के बारे में बताएंगे कि जैसे अर्थ एक प्लैनेट है उसी तरह बाकी प्लैनेट होते हैं, और जो कि सन का चक्कर लगाते हैं, और मून जो है वो अर्थ का सैटेलाइट है। तो ऐसे करके हम उससे उसके पुराने नॉलेज को नए नॉलेज से कोरिलेट करते हैं, उसको जोड़ते हैं। और हम लेक्चर मेथड का तब यूज़ करते हैं कि जब हमें जो हमने पढ़ा दिया है उसको जब समराइज़ करना हो लेसन को। और हम लेक्चर मेथड का यूज़ तब करते हैं जब हमें कोई इन्फॉर्मेशन देना हो जो कि इजीली अवेलेबल ना हो, तब तो हम लेक्चर मेथड का यूज़ करते हैं। उसके बाद हमारा आ जाएगा कि लेक्चर मेथड में कौन कौन से स्टेप्स इन्वॉल्व हैं, कौन कौन से प्रोसेस हैं। तो सबसे पहले आ जाएगा प्लानिंग, प्लानिंग बाय टीचर। तो टीचर क्या है, क्लासरूम में आने से पहले प्लान करता है कि उसे कौन से टॉपिक पढ़ानी है, उसे उस टॉपिक को कैसे बच्चों को समझाना है, बच्चों को कैसे समझ में आएगा, ये सारी चीज़ें वो प्लान करता है क्लासरूम में आने से पहले। उसके बाद क्लासरूम में आने के बाद वो टॉपिक को प्रेजेंट करता है। तो टीचर जो है क्लासरूम में आने के बाद उस टॉपिक को प्रेजेंट करता है और बच्चे सिंपली उसको सुन के रिसीव करते हैं। तो ये जो तीन प्रोसेस हैं ये हमारे लेक्चर मेथड के अंदर आते हैं। उसके बाद हम लोग आ जाएंगे मेरिट्स ऑफ लेक्चर मेथड। तो जो ये हमारा लेक्चर मेथड है इसके क्या क्या मेरिट्स हैं। तो सबसे पहला आ जाएगा कि ये एक इजी अट्रैक्टिव और ब्रीफ मेथड है, ठीक है। तो इसको क्या है कि ये बहुत ही ज़्यादा इजी मेथड है। इसमें टीचर को बहुत ज़्यादा एक तरह से वर्क नहीं करना पड़ता, उसको काम नहीं करना पड़ता है टीचर को। बच्चे लोग के लिए भी क्या है कि ये एक अट्रैक्टिव मेथड है ये। इट इज़ इकोनॉमिकल, ये सबसे पहले सबसे बड़ी बात है कि इकोनॉमिकल होता है टाइम और मनी के रिस्पेक्ट में। तो क्या होता है कि टीचर को बहुत ज़्यादा ही टीचिंग एड्स वगैरह जो है प्रिपेयर नहीं करना पड़ता है, जिसकी वजह से उसका टाइम बचता है और मनी भी बचता है। इट सिंप्लीफाइज द वर्क ऑफ अ टीचर। तो जब टीचर को टीचिंग एड्स प्रिपेयर नहीं करने पड़ते तो उनका बहुत सारा काम जो होता है वो बहुत ही सिंपल हो जाता है। तो जो भी हमारा फैक्ट बेस्ड नॉलेज होता है उसको समझाने के लिए ये मेथड जो है काफ़ी यूज़फुल है। और जब भी हम लोग किसी हिस्टोरिकल डेवलपमेंट के बारे में बता रहे हैं, बच्चों को कोई फैक्ट बेस्ड नॉलेज दे रहे हैं, तो उस टाइम इस मेथड का यूज़ जो है वो काफ़ी अच्छा माना जाता है, ठीक है। उसके बाद ये एक बहुत ही शॉर्ट और क्विक मेथड है। जाहिर सी बात है कि इसमें टीचर को ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती है। टीचिंग एड्स कई बार ऐसा होता है कि क्लास में टीचिंग एड्स वगैरह दिखाने में काफ़ी टाइम लग जाता है, बच्चों को समझाने में काफ़ी टाइम लग जाता है। कुछ कुछ ऐसे मेथड्स हैं पढ़ाने के, तो ये मेथड जो है काफ़ी सिंपल मेथड है और इसमें बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, ये क्विकली हो जाता है। तो इस मेथड का यूज़ करके आप कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन बच्चों को दे सकते हैं। तो नेक्स्ट हम लोग आ जाते हैं कि अ सिंगल टीचर, ठीक है। तो जो सिंगल टीचर है उसको जो लार्ज ग्रुप ऑफ स्टूडेंट हैं उनको पढ़ाना काफ़ी ईजी हो जाता है। आप ढेर सारे बच्चों को कम टाइम में पढ़ा सकते हैं। इट इज़ मोर यूज़फुल फॉर हायर क्लासेस, या हायर क्लासेस के लिए ज़्यादा यूज़फुल है, जैसा कि हमने पहले डिस्कस कर लिया था। और नेक्स्ट हमारा है कि ये एक ऐसा मेथड है जिसमें आइडियाज़ और जो एक्सपीरियंसेस होते हैं उनको वर्ड एक पिक्चर के थ्रू प्रेजेंट किया जाता है। तो ये हमारा जो मेथड है वो कोई भी अगर नया नॉलेज टीचर देना चाहते हैं तो उसके लिए इस मेथड का यूज़ करना ज़्यादा यूज़फुल माना जाता है, ठीक है। अब हम आ जाते हैं डिमेरिट्स ऑफ लेक्चर मेथड। तो इसके क्या डिमेरिट्स है, सबसे पहले आ जाएगा कि ये टीचर सेंटर्ड मेथड है। तो इसमें टीचर का ज़्यादा एक्टिव रोल होता है और बच्चे सिर्फ और सिर्फ पैसिव लिसनर होते हैं। तो इस ये ज़्यादा साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल नहीं है, बच्चे पैसिव होते हैं और इनएक्टिव होते हैं, उनका ज़्यादा रोल नहीं होता है क्लासरूम में। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है कि ये बहुत सारे मेंटल एबिलिटीज़ जो होती हैं, जैसे रीजनिंग हो गई, लॉजिकल थिंकिंग हो गई, इन सब की डेवलपमेंट के लिए अपॉर्चुनिटीज़ जो हैं वो नहीं प्रोवाइड करता है। उसके बाद ये जो मेथड है इसमें प्रैक्टिकल और क्रिएटिव वर्क को ज़्यादा एक तरह से ध्यान नहीं दिया जाता इसमें। तो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है कि इस मेथड में टीचर स्टूडेंट का जो रिलेशनशिप है, ठीक है, उसको पूरी तरह से निगलेक्ट किया जाता है। टीचर और मतलब बच्चे इतने ज़्यादा एक्टिव नहीं होते हैं तो टीचर उन पर बहुत ज़्यादा फोकस नहीं करता है, ठीक है। उसके बाद जो नॉलेज इम्पार्ट होता है लेक्चर या स्पीच के थ्रू उसको ज़्यादा ड्यूरेबल नहीं माना जाता है। क्या होता है कि हमारे साथ भी ऐसा होता है कि हम लोग कुछ कोई भी चीज़ अगर सुनते हैं तो कुछ टाइम बाद ऐसा होता है कि हम लोग वो चीज़ भूल जाते हैं। तो बच्चों लोग के साथ भी यही चीज़ आ जाती है कि वो टीचर उनको समझाता है, वो सुनते हैं, लेकिन क्या होता है कुछ टाइम बाद वो चीज़ भूल जाते हैं। तो बहुत ज़्यादा ड्यूरेबल नहीं हो पाता जो भी सीखते हैं, ठीक है। तो
हमारा नेक्स्ट पॉइंट जो हो जाएगा वो ये है कि ये लोअर लेवल स्टूडेंट्स के लिए यूज़फुल नहीं है, क्योंकि उनके लिए क्या होता है, उन जो भी टीचर समझा रहा है कई बार उनको नहीं समझ में आता है, क्योंकि बच्चे जो हैं उनको कंक्रीट चीज़ें समझ में ज़्यादा अच्छे से आती हैं, जबकि बड़े बच्चे जो होते हैं उनके लिए कोई दिक्कत नहीं होता इतना लेक्चर मेथड में। और इसका नेक्स्ट पॉइंट ये हो जाएगा कि इसमें जो बच्चे हैं उनके इंटरेस्ट पे, उनके इंटेलिजेंस और उनके एबिलिटीज़ पे बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जाता है। और उसके बाद ये भी ज़रूरी नहीं है कि बच्चे जो हैं अटेंटिव हों और सब चीज़ें वो समझ रहे हों जो टीचर कह रहा हो। कभी कभी हमारे साथ ही ऐसा स्कूल में होता था कि हम लोग बहुत ज़्यादा थक जाते थे, अब कभी कभी ऐसे कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स होते थे जो बहुत ज़्यादा उसमें बोर हो जाते, तो टीचर जो भी समझाता था हम लोग सिंपली उनको देख के सर हिलाते थे, ठीक है। तो ये भी होता है। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है कि इसमें सिर्फ बच्चों का एक ही सेंस ऑर्गन यूज़ होता है जो कि है हमारा हियरिंग। तो स्टडी के अकॉर्डिंग ये माना जाता है कि जितने ज़्यादा सेंस ऑर्गन्स जो हैं हमारे यूज़ होते हैं पढ़ाई में, उतना ही ज़्यादा हमारा मेमोरी शार्प बनता है उस चीज़ को लेके। बट इसमें सिर्फ और सिर्फ हियरिंग का बच्चे सुनते हैं तो उनका सिर्फ और सिर्फ एक ही सेंस ऑर्गन यूज़ होता है। फिर हमारा नेक्स्ट पॉइंट ये आ जाएगा कि हम लोग लेक्चर मेथड को कैसे इफ़ेक्टिव बना सकते हैं और कैसे उसको इंटरेस्टिंग बना सकते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट ये हो जाएगा कि जो भी टॉपिक या कंटेंट पढ़ाना है, ठीक है, उसको बहुत ही सिस्टमैटिक और लॉजिकल मैनर में बच्चों के सामने प्रेजेंट करना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप हार्ड कॉन्सेप्ट जो है बच्चों को पहले समझाने लगे तो उनको चीज़ें नहीं समझ में आएगी। तो इजी टू कॉम्प्लेक्स जाना चाहिए, ठीक है। और जब भी और जहाँ भी रिक्वायर हो, जहाँ भी लगे टीचर को कि बच्चों को ये चीज़ पॉइंट नहीं समझ में आएगा, तो टीचर को वहाँ पे उस जगह ब्लैक बोर्ड यूज़ करना चाहिए। जैसे कि कुछ कुछ टीचिंग पॉइंट्स होते हैं जो इंपॉर्टेंट होते हैं, डेफिनेशंस होते हैं, ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है अगर, तो उसको ब्लैक बोर्ड पे लिखा जाना चाहिए, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, बच्चों से क्वेश्चंस पूछने चाहिए ताकि बच्चे जो हैं एक्टिव हों। बच्चे जब आप उनसे क्वेश्चंस पूछेंगे वो आंसर्स देंगे तो आपको पता चलेगा कि वो कितना किस लेवल तक कितना समझ पाए हैं। उसके बाद टीचर का जो लैंग्वेज होना चाहिए वो सिंपल और क्लियर और अप्रोप्रिएट होना चाहिए, ठीक है। ऐसा ना हो कि आप बहुत ही ज़्यादा धीमे बोल रहे हैं या फिर बहुत ही ज़्यादा तेज़ आपकी स्पीड है, आपकी फ्लुएंसी बहुत ही ज़्यादा तेज़ है तो बच्चों को समझ भी नहीं आ रही है, ठीक है। तो सिंपल और क्लियर बोलना चाहिए ताकि बच्चों लोग को ज़्यादा मुश्किल ना हो। तो हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है वो ये है कि जब लेक्चर एंड हो जाए, ठीक है, तो टीचर को जो है प्रॉपर नोट्स बच्चों को प्रोवाइड कराने चाहिए कि जैसे जो टॉपिक्स जो बच्चे हो सकते हैं भूल जाएंगे तो वो नोट्स देखें और नोट्स पढ़ें और वो चीज़ें उनको दोबारा से रिकॉल हो जाए, ठीक है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट हो जाएगा कि जब टीचर जो है लेक्चर प्रिपेयर कर रहे हों तो उनके तो टीचर को जो बच्चों की प्रीवियस नॉलेज है उसको भी ज़्यादा इंपॉर्टेंस देना चाहिए। उस तरह से बच्चों को क्या है ज़्यादा समझ में आता है, अच्छे से समझ में आता है, उनके लिए पढ़ाई इंटरेस्टिंग बन जाती है, ठीक है। उसके बाद लेक्चर के टाइम टीचर को ये भी ध्यान रखना चाहिए कि अगर पॉसिबल हो सके तो उनको ऑडियो विजुअल एड का यूज़ करना चाहिए। इससे भी क्या होता है बच्चे जो होते हैं उनके अंदर इंटरेस्ट आता है और वो मोटिवेट हो जाते हैं। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा लेक्चर मेथड, आई होप आपको ये पसंद आया होगा और ये नोट्स जो हैं आपके लिए हेल्पफुल होंगी। सो थैंक यू, और अगर पसंद आया हो तो सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए।